हेलो एवरीवन आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चारकोट्स जॉइंट के बारे में इसके दूसरे नाम हैं न्यूरोपैथिक जॉइंट डिजीज़ न्यूरो आर्थ्रोपैथी चारकोट्स जॉइंट डिजीज और न्यूरोपैथिक ऑस्ट्रियो अब हम बात करेंगे कि चारकोट्स जॉइंट है क्या चारकोट्स जॉइंट में हमें बोन में और जॉइंट में चेंजेस देखने को मिलते हैं और ये चेंजेस उस एरियाज में होते हैं जहाँ पर लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाता है और ये हमेशा दूसरे डिसऑर्डर्स के साथ एसोसिएटेड रहता है जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे चारकोट्स जॉइंट इज़ नेम्ड आफ्टर फ्रेंच न्यूरोलॉजिस्ट मार्टिन चारकोट चारकोट्स जॉइंट होने के लिए उस जॉइंट एरियाज में दो कंडीशन फुलफ़िल होना चाहिए पहली रहती है लॉस ऑफ पेन सेंसेशन उस जॉइंट में पेन के सेंसेशन नहीं आने चाहिए और ये क्यों होगा क्योंकि वहाँ की नर्व डी हो जाएगी सेकेंड इज़ लॉस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन प्रोप्रियोसेप्शन मतलब पोजिशन ऑफ सेंस मतलब हाथ हवा में है या हाथ ज़मीन पर है इसका सेंसेशन सेल्फ मूवमेंट बॉडी पोजिशन ये सब प्रोप्रियोसेप्शन में आ जाते हैं तो ऐसे जॉइंट एरियाज में जहाँ पर ना ही पेन का सेंसेशन है ना ही प्रोप्रियोसेप्शन का सेंसेशन है तो ऐसे एरियाज में अगर कोई फ्रिक्शन होता है या रबिंग होती है या माइनर इंजरी होती है तो वो पेशेंट फील नहीं कर पाता ठीक है अगर उसे चोट भी लग रही है तो वो उसे फील नहीं कर पा रहा है क्योंकि वहाँ लॉस ऑफ पेन सेंसेशन है इसलिए बार बार अगर उधर ट्रोमा लग रहा है तो क्या हो जाएगा डिस्ट्रक्शन एंड डीजनरेशन हो जाएगा ज्वाइन का जिसे ही हम क्या कहते हैं चारकोट्स ज्वाइन कहते हैं ठीक है ठीके? अब हम बात करेंगे क्लिनिकल फीचर्स की तो सबसे फर्स्ट है कि जो एफेक्टेड ज्वाइंट है वहाँ पर क्या हो जाएगी स्वेलिंग आ जाएगी वो वार्म हो जाएगा लेकिन यहाँ पर पेन नहीं मिलता है ठीक है वन थर्ड ऑफ पेशेंट में पेन नहीं मिलता है सेकेंड इज़ ये हमेशा प्रोग्रेसिव नेचर का रहता है कि अगर एक जॉइंट में प्रॉब्लम है तो फिर वो दूसरे जॉइंट पे जाएगा इसलिए ये क्या है वन जॉइंट से मल्टीपल जॉइंट को इन्वॉल्व करता है इसमें हमने बात करी कि जो अफेक्टेड जॉइंट है वो स्वोलन हो जाता है स्वोलन इसलिए क्योंकि जॉइंट के अंदर जो साइनोवियल फ्लूइड है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है जब हम ये जॉइन को पालपेट करते हैं तो हम फील कर सकते हैं लूज़ बॉडीज़ और ये लूज़ बॉडीज़ क्या है ये डेड टिश्यूज़ है क्योंकि वहाँ पर जॉइंट का डीजनरेशन एंड डिस्ट्रक्शन हो रहा था हमने देखा पैथोफिजियोलॉजी में भी थर्ड इज़ हमें जॉइन में सब लक्सेशन देखने को मिलता है ठीक है सब्लैक्सेशन मतलब अपनी नॉर्मल पोजीशन से जॉइंट का हट जाना उसे हम सब्लैक्सेशन कहते हैं ठीक है फोर्थ हमें क्रिपिटस साउंड आता है जॉइंट अगर मूव करता है तो आवाज़ें आती है वीकनेस देखने को मिलती है और लास्ट अल्सर्स ठीक है क्योंकि बार बार ट्रामा लग रहा है पेशेंट को तो वहाँ पर अल्सर्स डेवलप हो जाते हैं क्योंकि पेशेंट को वहाँ पर पेन के सेंसेशन ही नहीं है ठीक है अब हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टियोलॉजी की पहले भी हमने डेफिनेशन में बात करी कि दूसरे डिसऑर्डर्स के साथ एसोसिएटेड रहता डायबिटीज सबसे पहला है क्या होता द्याग द्याग है मैक्रो मैक्रो से, टर्मिनल वेसल्स है जैसे कि टोज की फिंगर्स की उनमें ही क्या डैमेज हो जाता है अगर वो माइक्रो वेसल ब्लड वेसल से डैमेज हो गई और नॉन फंक्शनल हो गई तो वहाँ की जो नर्व्स है पेरिफेरल नर्व्स वो भी डैमेज हो जाएगी ठीक है और अपन ने पढ़ा है कि नर्व डैमेज हो जाएंगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा चार चारकोट्स ज्वाइंट डेवलप हो जाएगा तो सबसे पहले कहाँ पर मिलेगा डायबिटीज मेलाइटस में टार्सल्स और मेटाटार्सल ज्वाइंट जिसे हम डेक्विटस अल्सर्स भी हम देखने को मिलता है कॉमनली सेकेंड सीरेंजो तो इसका लोकेशन है एल्बो एंड रिस्ट ज्वाइंट एंड शोल्डर ज्वाइंट ठीक है थर्ड इम्पॉर्टेंट कंडीशन इज टेप्स डोरसिलिस तो सिरिजोमाइलिया अपर एक्सट्रीमिटीज़ को इन्वॉल्व करता है टेब्स डोरसिलस लोअर एक्स्ट्रीमिटीज को करती है सो हिप्स ज्वाइंट नी ज्वाइंट एंड एंकल ज्वाइंट फोर्थ मेटाबोलिक डिसऑर्डर एमलोडोइसिस फिफ्थ लेप्रोसी लैप्रोसी में भी नव डिजेनरेशन देखने को मिलता है बहुत ही ज़्यादा सीवियर सिक्सथ इज़ मस्कुलर एट्रॉफी सेवेंथ डिसऑर्डर इज मैनजो माइसिल ठीक है इन सभी कंडीशन में भी हमें चारकोड्स ज्वाइन देखने को मिलता है इन्वेस्टिगेशन क्या करवाएंगे तो हम यू और सी स्कैन में देख सकते हैं कि जॉइंट का डिस्ट्रक्शन हो गया और साइनोवियल फ्लूड के अंदर लूज बॉडीज़ ये भी हम देख सकते हैं ठीक है बोन्स के अंदर स्क्लेरोसिस हो जाएगी हार्डनिंग हो जाएगी कुछ टाइम के बाद अगर कंटिन्यूस इंफ्लामेशन बना रहा तो ट्रीटमेंट में हम कॉज को ट्रीट करेंगे अगर डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ को सीरेंजोमाइलिया है तो उससे ओके सो ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन दी कॉज तो हमने डिस्कस किया चार चारकोड्स ज्वाइंट के बारे में जिसमें जॉइंट में डिस्ट्रक्टिव चेंजेस देखने को मिलते हैं क्योंकि पेन पेन के सेंसेशन नहीं है और प्रोप्रियोसेप्शन का सेंसेशन ही नहीं है जिसके कारण पेशेंट को बार बार ट्रॉमा लगता है अगर सो हमने तो इस सबसे इंपॉर्टेंट बात करी एथियोलॉजी की ऐसे डिसऑर्डर्स जैसे कि डायबिटीज मेलाइटस जिसमें भी नर्व्स डैमेज होती है पेरीफेरल नर्व्स डेक्यूबिटस अल्सर और फूड अल्सर्स होते हैं इसमें सेकेंड कंडीशन सीरेंजोमाइलिया डोसिलिस मैनजोमायोसील अमाइलोडोइसिस लेप्रोसी मस्कुलर एट्रोफ़ी ये सारी कंडीशन में हमें चारकोट्स ज्वाइंट देखने को मिलता है इन्वेस्टिगेशन में मेन फाइंडिंग रहती है लूज बॉडीज़ का पाया जाना ठीक है ट्रीटमेंट में हम कॉज को ट्रीट करेंगे ठीक है आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें आई एम प्राची एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग